जालंधर में 2 दिन पहले लेदर कॉम्प्लेक्स के पास मिली युवती की जली हुई लाश के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी अभी फरार है। फिलहाल पुलिस इनका रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं तीसरे साथी की तलाश भी जारी है। एक युवती से प्यार और दूसरी से रंगरलियां मनाने की चाहत में न सिर्फ जालंधर में एक शादीशुदा महिला एक बच्चे की मां की जान चली गई, बल्कि एक युवक पहुंच गया सलाखों के पीछे। जालंधर के दीप नगर की रहने वाली कविता की शादी करीब 4 साल पहले जालंधर के ही गड़ा इलाके के एक युवक से हुई थी। कविता की एक 3 साल की बच्ची भी है। पति से मारपीट और रोजाना झगड़े के चलते कविता कुछ दिन पहले अपने मायके आ गई। मायके में किसी रिश्तेदार की शादी में उसकी मुलाकात विशाल नाम के एक युवक से हुई। इसके बाद विशाल कविता और उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। उसके पहले विशाल और कविता वापस लौटे और बच्ची को घर छोड़कर दोबारा घर से चले गए। इस सब के बाद 2 दिन पहले जालंधर के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में कविता की जली हुई लाश मिली। इस पूरे मामले में जालंधर पुलिस ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में विशाल और उसके मामा रमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में विशाल ने बताया कि वह एक शादी में कविता को मिला था, जिसके बाद कविता उसके साथ चली गई। बाद में कविता उसके ऊपर अपने साथ रहने का दबाव बनाने लगी, पर वह खुद किसी और लड़की से प्यार करता था। इसी के कारण उसने कविता से पीछा छुड़ाने के लिए सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के एक पार्क में पहले तो दुपट्टे से गला दबाकर कविता की हत्या की और फिर एक पेट्रोल पंप से 2.5 लीटर पेट्रोल लाकर कविता की लाश को जला दिया, ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इस मामले में विशाल के मामा रमन और उसके एक साथी राजन ने उसका साथ दिया। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में विशाल और रमन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका साथी राजन अभी फरार है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं इस बारे कोई जवाब नहीं देना चाहते। हाँ जी, मैं कोई जवाब नहीं देना। रिक्वेस्ट ही है ताड़े अगे इना जवाब ना करो प्लीज। रिक्वेस्ट ही है ताड़े अगे ना करो प्लीज। एक मर्डर होया सी कविता नाम दी कुड़ी दा, ब्लाइंड मर्डर सीगा। एक पार्क दे विच 6 तारीख दे सुबह पुलिस नु इतला मिली कि एक सड़िया होया लाश जो कि एक लेडी दा नजर आ रहा है वो पार्क च पिया हुआ है। लाश की कोई शनाखत नहीं सी। सब तो वड्डा पहला चैलेंज पुलिस को सीगा उस लाश का शनाखत करना। जिवें कि मीडिया च आया हैगा, उन्हें पंजाबी जुतियां पाई हुई सी जो लाश के नेड़े मिलियां सी। उस जुत्ती का फोटोग्राफ देख के उसकी मदर ने उन्होंने आइडेंटिफाई किया, पहले शक जाहिर किया, फिर बॉडी देख के उन्होंने कन्फर्म किया कि यह जिहड़ी लाश हैगी है एक कविता दी हैगी है। उस तो बाद जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन टीम ने किया हैगा बस्ती बावा खेल दे। एंड अपा दोषी तक पहुंच सके। जिहड़ी कहानी सामने आई वो ये सीगी कि एक विशाल नाम का मुंडा सी, उहदे नाल कविता दी रिलेशनशिप डेवलप होंदी है करीब 8 दिन पहले। फिजिकल रिलेशन्स होंदे ने दोनों दे विचकार। कविता अपने हसबेंड नूं छड़ के आई हुई सी 1 महीने पहले, और एक्यूज दा कहना है कि कविता तो ये
ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਰਡਰ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਡਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਫਰਦਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ, ਇੰਟਰਾਵੈਨਸ ਡਰੱਗ ਨੋਰਫਿਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਦਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਦ ਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਛੱਡਣ ਵੀ ਗਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਜ਼ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਦ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਵਿਦ ਅ ਡਾਟਰ ਆਫ 3 ਇਅਰਸ। 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ।